ये क्या हो गया ऋषि, इतने ज्यादा जोर जोर से? ऋषि क्या हो गया? अच्छा वाला उठाऊ? देखो आपको एलर्जी तो नहीं किस चीज से? जैसे लग रहा है शायद एलर्जी होगी किस चीज से। ऋषि गरारे गरारे करो, गरारे करो ना उस पानी से। अच्छा वाला उठा हुआ है। हाँ मैं वही देख रही हूँ, गैलरी में बैठा हूँ। हाँ एंड उसके बाद एकदम से पता नहीं क्या हुआ, गैलरी में जाके कितना क्या डर सारे जल्दी आओ, मैं आपको फिर काढ़ा बना के दूं। काढ़ा बना के दूं एक स्ट्रॉन्ग सा है? बना, बना। पहले खाना, पहले एकदम से पता नहीं क्या हुआ यार। अच्छा मतलब सुबह उठा हूँ, गैलरी में बैठा हूँ, धूप सेक रहा था, उसके बाद एकदम से पता नहीं क्या हुआ, गला ऐसे हुआ, इतनी ज्यादा खांसी होने लग गई। पर अभी ये खा लो, फिर आपको काढ़ा बना के दूंगी। मन ऐसा हो रहा है कि ऐसे बाहर से ना ऐसे सारी खारिश के कर दो, चाहे होए कोई नॉर्मल ही खांसी, लेकिन आज के दिनों में ज्यादा डर लगता है। हाँ अगर अभी थोड़ा सा फर्क लग रहा है, वैसे गरम गरम ये पीने के बाद थोड़ा सा फर्क लग रहा है, लेकिन रात को हम यहाँ पे सोए थे, हम अंदर से गद्दे लेके आए और यहाँ पे सोए थे, उसके पीछे रीज़न क्या था? लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि हम पखे नहीं लगवा पाए, ये दो ही पखे लगे थे और अब अंदर गर्मी लगनी शुरू हो गई क्योंकि अंदर पखा नहीं लगा हुआ, तो हम गद्दे बाहर लेके आए थे, तो हम यहाँ पे सोए थे। नींद बहुत अच्छी आई, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया, इलेक्ट्रिशियन आ नहीं पाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो ये वाला पखा है ना, ये वाला पखा मैं खुद ही, हिंदी में बोलते पंखा, आप पंखा 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 नहीं, आप पंजाबी बोलते पंखा पंखा, मेरी भावना ही समझा करो, हिंदी पंजाबी इंग्लिश मेरी मिक्स हो जाती है। नहा दो के रेडी, अभी साथ में खाएंगे पपीता और साथ में मैं और सरी एक लगाएंगे चेस की गेम और इसमें हराऊंगी मैं ऋषि को, तो देखते हैं कौन हारता है। लेकिन खांसी अब बिल्कुल ठीक हो गई है, हल्की सी खराश है वो मैं ठीक कर दूंगी, बहुत हल्की सी खराश, गले में मुक्के मार मार के लेकिन अब खांसी बिल्कुल ठीक है। सुबह तो एक बार डर लग गया था भाई, ये अभी इसलिए नाच रही है क्योंकि चेस की गेम में मैं हार गया और ये जीत गई। अब कोई छोटा मोटा नहीं, इतना तगड़े वाला, ये आज मुझे नींद बहुत अच्छी आने वाली है। एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था। व्हाटएवर दीस ऑल आर एक्सक्यूजेस। अच्छा आज बहुत अच्छे लग रहे हो। ओह एंड मैं कपड़ों में उंगली लग रही है, पड़े पड़े उंगली लग जानी है, और मेरी गाड़ी को उंगली लग जानी है, मेरी गाड़ी को उल्ली लगी यार, ये नीचे खड़ी खड़ी अगर आप मुझे वीकेंड पे देखते हैं देन आपको पता होगा कि आई एम एसोसिएटेड विद मामाअर्थ, मामाअर्थ के साथ हम काफी काम करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं, हालांकि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन तो मामाअर्थ ने हमें हैंड सैनिटाइजर भेजे हैं जो अभी वायरस चल रहा है उससे बचने के लिए, लेकिन अगेन दोबारा बोल रहा हूँ ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो है कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने हैं हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना, या फिर और भी स्टेप्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि हमें उन स्टेप्स को करना है ताकि हम अपने आप को बचा सकें और अपनी फैमिलीज को जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें बचा सकें। हैश स्प्रेड अवेयरनेस नॉट फियर, डर नहीं फैलाना, अवेयरनेस फैलानी है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30, अभी हमने खाना खाया है और मैं उस बदले की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं बदला लूंगा। क्या करोगे? मैं बताऊंगा, मैं वो आपको वही तो पूछ रही, क्या करो, ऐसे पानी गिर दोगे? भी प्लानिंग क्या है कि मुझे पता है कि सरीना अंधेरे से थोड़ा डरती है, उसको इस चीज़ों से बहुत डर लग रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक माई बदला
कि वो अच्छी तरह काम करे, मैं फेल ना हो जाऊँ। अभी मैं सरी को कन्विंस करूँगा कि आजा आप कोई नेटफ्लिक्स में मूवी देखते हैं, और वो मूवी कौन सी होगी, समथिंग लाइक रॉन्ग टर्न। रॉन्ग टर्न के सारे पार्ट्स मैंने देखे हुए हैं, लेकिन वो मूवी होगी समथिंग लाइक रॉन्ग टर्न, ताकि अभी हम वो मूवी देखेंगे एक डेढ़ घंटे की, तो उसके मन में ना वो कहीं ना एक साइकोलॉजिकली वो बात बैठ जाएगी, देन उसके बाद मैं अपना प्लान रात को एग्जीक्यूट करूँगा। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि प्रैंक्स को रियल में करने के लिए थोड़े पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। देखे मूवी फिर? Yes, of course, I'm ready. हैं? I'm ready. इसलिए मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि अब मूवी देखते हैं, ठीक है, लेकिन वही मूवी देखेंगे जो मैं चाहूंगा, पर एक शर्त पे मूवी देखेंगे साथ में पॉपकॉर्न होने चाहिए। देखने के लिए वो साइड की है द कैबिन इन द वुड्स। वाह 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 वाह, ये तो हमने अब देखा है। और सरी पूरा अरेंजमेंट करके बैठी है मूवी देखने के लिए, बिस्किट्स, ग्रीन टी, साथ में अपनी देसी मूंगफली। पर सॉरी, पॉपकॉर्न नहीं है, खत्म हो गया। पॉपकॉर्न खत्म है, चलो कोई नहीं। मैं मूवी लगा के बैठ गया हूँ, सरी भी आ गई है पूरा कैंट इफेक्ट देने के लिए, जितना को हमारे बजट में है हम ये वाले स्पीकर्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छे साउंड आए पूरी म्यूजिक के साथ। वो कबूतर उधर देख, कबूतर है। ऐसा क्या करने वाला? मैं नीचे लिख दिया मैं क्या बोलने वाला था। चलो जी मूवी स्टार्ट। डर लग रहा है, डर रही है बेचारी, मतलब डरू भी ना मैं। नहीं नहीं डरो डरो, सारी पूरी डर गई है, देखो कैसे बैठ के मूवी देख रही है। क्या करूं, डर लगता है। डरावनी है, नहीं सच में मूवी डरावनी है। ओहो कितना डरावना था ना। अभी अभी मूवी खत्म हुई है। डरावनी, लेकिन मैं ये बोलूंगा रॉन्ग टर्न से कम थी। रॉन्ग टर्न तो बहुत ही लाइक रॉन्ग टर्न तो देखी नहीं जाती ना। जो पंखा लगाना था वो आज नहीं लगाया, तो अभी हम दोबारा फिर क्या करेंगे कि ये गद्दा उठाएंगे और इस गद्दे को वहाँ सजाएंगे और फिर सोएंगे। क्यों नहीं लगा पाए? बस तुम्हारे भाई का मूड नहीं था इसलिए नहीं लगाया, लेजी आलसीपन आ गया इसलिए नहीं लगाया। मैं कहा चल कोई नहीं यार, गद्दा बाहर उठा के लेके जाना आसान है, पक्का बाहर से छत से उतार के यहाँ पे लगाना मुश्किल है, बस यही कारण था। हालांकि मूवी देखने के बाद हम छत पे गए, गेन टाइम स्पेंड किया, फिर डिनर किया, और अभी हमारा टाइम हो रहा है 1 बज गए रात के। याद है ना आपको, याद है ना ये खड़ी हुई। आप अपना गद्दा खुद लेके आओ। ये बहुत मतलबी है यार, मैं बहुत मतलबी हूँ। चल जब मैंने सोना है मैं अपना गद्दा ले आऊंगा, कोई काम कर लूं थोड़ा सा मैं। अभी टाइम हो रहा है रात के 2:40 और मैं अपना उस रूम में बैठ के काम कर रहा था, लेकिन मैं इस रूम में क्यों आया हूँ, वेल मैं वेट कर रहा था कि सरी जहाँ पे हमने गद्दा लगाया वहाँ पे आके सोए, ताकि जो मैंने प्लान किया है उसके ऊपर एक लाइक हॉरर प्रैंक करने का वो मैं अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाऊँ, जो सुबह से इतना मैं प्लान कर रहा हूँ कैसे इसके ऊपर प्रेशर डालूँ। लेकिन हुआ क्या कि जहाँ पे मैं काम कर रहा था सरी उसके बिल्कुल ही बगल में आके सो गई, लेकिन उसके बगल में आके कैसे पहुँची वो मेरे बगल में, वो आपको पता चलेगा लाइक ब्लूपर्स में पता चलेगा कि वो वहीं पे ही क्यों सो गई। यही होता है जब तुम्हें रियल में चीज़ें करनी पड़ती हैं। हालाँकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको उठाऊँ। सरी बाहर सो जाओ, यहाँ क्यों सो गया?
तो यहाँ पे ऐसे थोड़ी सोओगे सारी रात। नहीं जब आप बाहर जाओगे तो मैं भी बाहर चले जाऊंगी। क्या बाहर डर लग रहा है? क्यों दिखाई थी हॉरर मूवी हैं? वो वाली मूवी क्यों दिखाई थी? वो तो कुछ ज़्यादा ही डर गई, क्योंकि मुझे उसका पता था कि मुझे उसके साथ ऐसा वाला प्रैंक करना कैसे है, और वो डर गई इसलिए बाहर अकेले नहीं सो रही, वो मेरे पास ही आके बैठ गई। सो क्यूट। कहती जब तक आप काम करोगे तब तक मैं यहीं ही लेटी रहूँगी। चलो कोई बात नहीं, ये खप खानी ये शरारतें तो चलती रहेगी। आज सक्सेसफुल नहीं हुए तो अगले व्लॉग में हो जाएंगे, उससे अगले व्लॉग में हो जाएंगे, ये चीज़ तो चलती रहेगी। मेन है कि आपको एंटरटेनमेंट और लाइफ में एंजॉयमेंट होता रहे। सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ तो चलो अलग बात है। तो ये था अपना आज का व्लॉग, पसंद आया लाइक मैं शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग कुछ नवी खप लेके। अब जब सारी देखेगी तब उसको पता चलेगा कि आज के व्लॉग में हो क्या रहा था। सही लग रहे हैं। हाँ। अरे वैसे तो बात बहुत सही हो गया। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड। गॉड नीड थैंक्स, सेड थैंक्स टू डॉक्टर्स। मेरे साथ जा रही है अभी। टाइम हो रहा है 2 बज गए, रात के 2 बज गए, जस्ट बिकॉज की ऋषि को अकेला बनना। ओहो अकेला बनना महसूस हो, वो हर व्लॉग में देखते हैं। तो उस रूम में सो जाती है, मैं इधर काम करता रहता हूँ। नंबर बनाने में बहुत तेज है भाई इसने, मतलब कि मेरे घर वालों के सामने, मेरे रिश्तेदारों के सामने इतने नंबर बनाए हुए हैं। वो कहते हैं भाई इसके जैसी कोई लड़की ही नहीं है दुनिया में, ये हमारी नू नहीं है, बहू नहीं है, ये हमारी बेटी है। बहुत नंबर सड़ के कितना सड़ नहीं रहा मैं। नहीं, ये सारी मजाक की बातें, वैसे ही ये वो टाइटल डिजर्व भी करती है।